हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू पैटर्न लेके आए हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बच्चों की स्वेटर, शॉल, टोपी, सॉक्स, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे सीधी साइड से कुछ इस तरह और उल्टी साइड से कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये हमारे सात फंदों की बनाई है फ्रेंड्स। इसमें हमको सात फंदे रखने होते हैं और एंड में दो फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो फ्रेंड्स, आठ सिलाई की हमारी ये बुनाई है। आठ सिलाई में ये बुनाई कंप्लीट हो जाती है। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड देखिए, हमने ये सात के मल्टीपल 14 फंदे रखे हुए हैं और दो फंदे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो इसमें हमारे 16 फंदे हैं। 16 फंदों में ये बुनाई आपको बना के बताऊँगी। बुनाई हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो क्या करना है भाई, पहले फंदा हम ऐसे ही निकाल देंगे, फिर उसके बाद एक दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर फ्रेंड्स एक फंदे की हम तीन बनाएंगे, थोड़ा इसको लंबा खींचेंगे, एक दो और तीन। एक फंदे के हमने तीन फंदे बना दी, फिर उसके बाद एक फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक दो तीन फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये हमारे सात फंदों की बुनाई कंप्लीट हो गई यहाँ पे। फिर यहाँ से हमारी दूसरी बुनाई स्टार्ट हो रही है। इसमें भी हमने वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे करा है। दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, ठीक है, फिर एक फंदे के हम तीन बनाएंगे, एक दो तीन, एक फंदे के हमने तीन बना लिए हैं। फिर एक फंदा ऐसे ही स्लिप करना है और एक दो तीन फंदे हमको सीधे बनाने हैं। ये स्टिच का फंदा हमारा सीधा ही जाएगा। ये हमारी पहली सिलाई हो गई है। अब हमारी दूसरी सिलाई उल्टी साइड स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमने एक फंदा ऐसे ही निकालना है, एक दो तीन चार, चार फंदे हम बुनेंगे। और जो ये हमने एक फंदे के तीन बनाए थे फ्रेंड, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे इस सिलाई में। फिर हम एक दो तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे बनाएंगे, ठीक है। फिर ये जो हमने एक फंदे के तीन बनाए हैं फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर एक दो तीन लास्ट में उल्टे बनेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई और तीसरी सिलाई स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारी दो बुनाई यहाँ पे बन रही हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए पहला फंदा ऐसे ही निकालना है और ये जो दो फंदे हैं इसको हमने अब ट्विस्ट करना है। ये फंदे हमको इधर लाने हैं और ये जो एक के तीन बनाए हैं वो आगे ले जाने हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले हम ये तीन फंदों को इस तरह इस सिलाई में ले लेंगे और ये दो फंदे पीछे से इधर जाएंगे, पीछे से, और ये आगे से इस तरीके से आगे आएंगे। अब हम इन तीन फंदों का एक बना देंगे, ऐसे तीन फंदों का एक हो गया। फिर जो यहाँ से हम दो फंदे ले गए हैं वो एक सीधा दो सीधा, दोनों सीधे बनेंगे। फिर जो हमने पहले यहाँ पे शिफ्ट किया था वही फिर हम दोबारा से शिफ्ट कर देंगे, मतलब ऐसे ही उतार लेंगे। फिर उसके बाद हम एक दो तीन चार पांच फंदे, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, ठीक है। फिर वही करेंगे, ये दो फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, तीन फंदे हम आगे लाएंगे और ये दो फंदे हम पीछे ले जाएंगे। तो इस तीन फंदों को हम इधर से आगे लाएंगे और इन तीनों को तीन का एक कर देंगे इस तरीके से। ये तीन का एक कर दिया हमने और जो हम इधर से फंदे लगे थे वो दोनों एक दो सीधे बनाएंगे और एक फंदा जो हमने पहले ऐसे ही उतारा था उसको ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में एक दो तीन फंदे सीधे जाएंगे और स्टिच का फंदा भी हमारा सीधा जाएगा। ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई है। अब हमारी चौथी सिलाई उल्टी साइड स्टार्ट हो रही है। तो चौथी सिलाई में हम क्या करेंगे, अब ये चौथी सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे। ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी जाएगी, सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। अब हमारी ये पांचवी सिलाई स्टार्ट हो रही है। चौथी सिलाई पूरी हो गई है उल्टी और पांचवी स्टार्ट हो रही है। इसमें हमने ये पहला फंदा ऐसे ही निकालना है और एक दो तीन फंदे सीधे बनाने हैं, फिर एक फंदा ऐसे ही उतार लेना है। जो फंदा हमारे यहाँ से आ रहा है नीचे से उसको ऐसे उतार लेना है। अब यहाँ पे हमको एक फंदे के तीन बनाने हैं, एक दो तीन, ठीक है। फिर एक
दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, जो फंदा हमारा नीचे से चल के आ रहा है उसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पे हम एक फंदे के तीन बनाएंगे, एक दो तीन, उसके बाद एक दो फंदे सीधे जाएंगे और स्टिच का फंदा भी हमारा सीधा जाएगा। ये हमारी पाँचवीं सिलाई है। छठी सिलाई हमारी बनाना ऐसे ही है फ्रेंड्स, हमको सिर्फ इसको जगह चेंज करनी है। पहले मैंने इधर बनाया, अब मैं इधर बना रही हूँ। अब हमारी ये छठी सिलाई आ रही है। छठी सिलाई हमारी वही वैसे ही एक दो तीन चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो नहीं फ्रेंड्स, हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, ठीक है। तीन फंदे उल्टे बनाए और जो फंदे हमने एक के तीन बनाए थे उसको ऐसे ही उतार लेना है। फिर एक दो तीन चार पाँच छः फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर जो एक के तीन करे थे उसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर एक दो तीन चार फंदे उल्टे बनाए, ये लास्ट का फंदा हमारा स्टिच का, ये भी उल्टा ही जाएगा। तो ये हमारी छठी सिलाई हो गई है, ठीक है। अब हमारी यहाँ से सातवीं सिलाई सीधी साइड स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है और एक दो तीन फंदे बनाने हैं, और ये वाला फंदा जो हमारा नीचे से चल के आ रहा है इसको हम ऐसे ही स्लिप कर ले रहे हैं, इसको ऐसे ही स्लिप कर लेना है यहाँ पे। अब ये जो तीन फंदे हैं इसको हमको इधर ट्विस्ट करना है, ये दो फंदे हमको पीछे से लाने हैं और ये तीन फंदे हमको आगे से लाने हैं। ये दो हम पीछे से लाएंगे इस तरीके से और इन दोनों को हम सीधा बना देंगे, एक दो, और ये जो हम तीन ले गए इन तीनों को हम तीन का एक बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद एक दो तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये तीन फंदों को फिर हम इधर को इस साइड को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। ये हम पीछे से लाएंगे इधर और ये तीन फंदे आगे से उधर पीछे जाएंगे, और ये सीधा और ये सीधा बनाएंगे, दो फंदे जो हम बाहर से ले गए थे, और जो तीन फंदे एक फंदे का तीन बनाया था इनको हम एक कर देंगे और ये लास्ट का फंदा हमारा स्टिच का सीधा जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह बुनाई बन के आ जाती है। ये हमारी सातवीं सिलाई है। अब हमारी ये आठवीं सिलाई स्टार्ट हो रही है। तो आठवीं सिलाई में हम अब इसको पूरी सिलाई उल्टा बना देंगे, ये हमारी पूरी सिलाई उल्टी बन जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, आठवीं सिलाई भी हमारी उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हमारा डिज़ाइन आठ सिलाई का है, उसमें इतना बन के दिखता है, ये देखिए फ्रेंड। और आप ऊपर बनाएंगे तो फिर वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे पहले से स्टार्ट किया था, वैसे ही आप यहाँ पे दो फंदे सीधे बना के फिर एक का तीन बनाएं, और ये फंदा जो हमारा नीचे से चल के आ रहा है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे ही स्लिप कर रहे हैं सीधी साइड से, इसको ये वो इसी के ऊपर ही चलते रहना है, उसको उस फंदे को सिर्फ ये हमको ये वाले फली जैसी इधर उधर ले जाते रहना है। तो फ्रेंड देखिए कितना प्यारा पेड़ जैसा दिखता है। और आठ सिलाई से ज़्यादा आप बनाएंगे, बड़े में बनाएंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा फ्रेंड्स। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। आप बनाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना कि बुनाई आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स हमें प्लीज़ से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, ठीक है। थैंक यू।